ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 14 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो ये राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि नहीं हो तो फिर आप इसे अपने नाम राशि के अनुसार सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देंगे। जैसे मकर राशि के जीवन में कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो राशिफल से संबंधित कोई भी जानकारी हम आपको दें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। मकर राशि के जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शनिदेव आपके राशि के धन भाव पर सूर्य और बुध के साथ गोचर करेंगे, यानी राशि के द्वितीय भाव पर त्रिग्रही युति बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ आपके राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे। राहु देव आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर गोचर करेंगे। केतु देव आपके राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं मंगल देव, जो साहस ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके राशि से पंचम भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन ना के बराबर हो रहा है, केवल 27 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा। तो भाई हम आपको बताते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, आपके राशि के दशम भाव से करियर का विचार करते हैं और दशम भाव के स्वामी राशि के तीसरे भाव पर शुभ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। शनि की स्थिति काफी बेहतर है। तो देखिए, मकर राशि के जातक इन 14 दिनों की समयावधि में काफी सकारात्मक होकर चलते हुए नजर आएंगे। दशम भाव पर केतु की उपस्थिति है तो नौकरी पेशा जातक अपने जीवन में उत्साह के साथ, जुनून के साथ कार्य करते नजर आ सकते हैं। बृहस्पति पराक्रम भाव पर प्रभावी हैं तो आपके मनोबल और उत्साह में काफी ज्यादा वृद्धि रहेगी। जो लोग अपना खुद का व्यापार चला रहे हैं उनके लिए समय और भी बेहतर रहने वाला है। मकर राशि के जातकों को सकारात्मकता और उत्साह बनाकर चलने की आवश्यकता इस दौरान रहने वाली है। यदि आप जीवन में विदेशों में जाकर कार्य कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार में आपको बड़ी बुलंदी देखने के लिए मिल सकती है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, दर्शकों, धन भाव के स्वामी शनिदेव स्वयं धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगलदेव राशि के पंचम भाव पर मौजूद होकर अपने सप्तम दृष्टि से आपके राशि के लाभ भाव को देख रहे हैं। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए दूसरे भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। अचानक से आपके जीवन में धन में वृद्धि होने का प्रबल योग बन रहा है। कई कार्यों से मकर राशि के जातक धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं।
यदि आप अपने जीवन में आमदनी के लिए कोई नए माध्यम की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिल सकती है। मकर राशि के जातकों, यदि आप धन के मामले में शेयर सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको काफी सावधान होकर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। खर्चों में वृद्धि आपके जीवन में इस दौरान काफी ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के तीसरे भाव पर मौजूद हैं। देवगुरु बृहस्पति काफी बेहतर स्थितियों में हैं। वहीं मंगल की कंडीशन आपके राशि के शिक्षा भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय मिला जुला ही रहेगा। इसमें यदि आप शिक्षण संस्थान में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आपको उत्साहित होकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम या परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय बेहतर कहा जा सकता है। मन में सकारात्मकता बनी हुई रहने वाली है। उसके साथ साथ जो जातक प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए हैं, प्रेम संबंध के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर मंगल की उपस्थिति बनी हुई है और प्रेम के कारक ग्रह शुक्रदेव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव राशि के पंचम भाव पर बना हुआ है। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर कहा जा सकता है। मन में सकारात्मकता काफी ज्यादा बनी रहेगी और उत्साह आपके अंदर काफी ज्यादा बना हुआ रहने वाला है। जो जातक वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए हैं, वैवाहिक संबंधों को लेकर दांपत्य जीवन में जातकों को भरपूर साथ देखने के लिए, जीवन साथी का साथ देखने के लिए मिलेगा। जीवन साथी के प्रति आपका मान सम्मान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। सप्तम भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में यदि मतभेद पूर्व के समय से चल रहे थे, उससे आपको निपटने में आसानी होगी। वहीं मकर राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए शादी का प्रबल योग बन रहा है, यानी वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही है। उसके साथ साथ यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। मकर राशि के जातकों, आपके राशि के छठे भाव के स्वामी बुधदेव राशि के दूसरे भाव पर सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। वहीं चतुर्थ भाव पर राहु की उपस्थिति बनी हुई है। इसमें आपको बेहतर स्वास्थ्य देखने के लिए मिलेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। 15 से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में किसी प्रकार के कार्यों को लेकर या परिवार को लेकर यदि आपके मन में व्यर्थ का दबाव बना हुआ था, उससे निपटने में आपको आसानी होगी। यदि मकर राशि के जातकों को हड्डियों में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार परेशान कर रही थी, उससे निपटने में आपको आसानी होगी। लेकिन एक खास बात का ध्यान मकर राशि के जातकों को जरूर रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, यदि आप धूम्रपान, शराब या मांसाहार जैसे चीजों का सेवन करते हैं, तो यह आपके जीवन में काफी नकारात्मक असर सेहत के मामले में जरूर डाल सकता है। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि सात्विक भोजन पर आपको ध्यान देना है, घरेलू भोज्य पदार्थों पर आप प्राथमिकता दें, इससे आपके मन में सकारात्मकता जरूर निर्मित होगी। मकर राशि के जातकों के अंदर सेहत को लेकर लापरवाही करने की आदत होती है, इसलिए यदि आप दिनचर्या में रोजाना मेडिटेशन, सुबह के समय यदि आप सैर के लिए जाते हैं, व्यायाम करते हैं, ये सारी अच्छी आदतों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो सेहत के मामले में आपको बेहतर स्थितियां दिखाई देंगी और मन में भी आपको प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। अब यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
मकर राशि के जातकों, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व दो खास बातों का ध्यान मकर राशि को रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं, आपको समस्या मिल रही है, वैवाहिक जीवन में आपको समस्या मिल रही है, पारिवारिक जीवन में यदि आपको समस्या मिल रही है, तो देखिए मकर राशि वाले जातकों को सकारात्मक सोच बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यदि आप जीवन में चलते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की चुनौतियां जीवन से दूर जरूर होंगी। मकर राशि के जातकों को सही लाइफ स्टाइल जरूर चुनना चाहिए, यानी सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना, ये अच्छी आदतों को आप अपने जीवन में जरूर इन्वॉल्व करें। दूसरा, मकर राशि के जातकों को व्यर्थ के बातों में और व्यर्थ की कार्यशैली में इन्वॉल्व होने से भी बचना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपके समय और श्रम दोनों का नुकसान होता है, धन का भी नुकसान होता है। उसके साथ साथ मकर राशि के जातकों को हर व्यक्ति का सम्मान करने की आदत आपको मन में रखकर चलनी चाहिए। देखिए सम्मान करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को आदर की नजर से देखते हैं, सम्मान की नजर से देखते हैं, तो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सक्षम हो पाएंगे और इससे आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व काफी ज्यादा सराहनीय होगा। उपाय की जानकारी दिया जाए, इन 14 दिनों के समयावधि में मकर राशि के जातकों को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहतर है। वहीं मकर राशि के जो भी जातक शारीरिक रूप से समस्याओं से परेशान हैं, तो महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप जरूर करें। शिवलिंग पर नित्य प्रति जलाभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना आपके लिए बेहतर है। इससे आपके जीवन में जुड़ी हुई हर प्रकार की चिंताएं और हर प्रकार की समस्या दूर होगी। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।